नमस्कार। शुरुआत तो करें अगले संडे, फिर अगले संडे फिर कोई कुछ बात आए बैठे चार लोग अगर हो जाओ क्या बात तो है आगे साथ साथ बात कर रहा हूँ। ये महीना तो समझो गया, यही बात अगर महीना तो गया, महीना बचा गया। आज किस तारीख संडे का? आज 20 तारीख हो गई है। शुरुआत कर देते हैं अंकल, आपके आशीर्वाद से कोई बुराई नहीं है। अगले संडे हाँ हाँ बोला थी जो टाइम दे सके। अब जब चार बोलेंगे 40 तो बोल ही देंगे कि फिर से गिरा देंगे, फिर होना चाह रही है, ये बहुत बड़ी बात है। पलवल में मियांवाली बिरादरी के पुनर्गठन की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस बार बिरादरी के युवा तुर्क ने कमान अपने हाथों में ले ली है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर शुरू करने वाले युवाओं का कहना है कि भारत पाक विभाजन के समय वहां के जिला मियांवाली से विस्थापित होकर देश भर में बसे मियांवाली परिवारों ने अपने अपने शहर में बिरादरी का गठन किया। पूरे देश में भी ऑल इंडिया मियांवाली डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का गठन किया गया जो कि अभी तक चल रही है। पलवल में भी गठित बिरादरी ने लंबे समय तक एकजुट होकर अनेकों सराहनीय कार्य किए, लेकिन पिछले कुछ सालों से बिरादरी में काफ़ी शिथिलता आ गई है। दुख सुख की घड़ी में भी बिरादरी के सदस्यों का संपर्क कायम नहीं रहा है। कोरोना काल के बाद से अब बिरादरी को पुनर्गठन करने की जरूरत महसूस हो रही है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने दिल से तहे दिल से धन्यवाद करूँ जिन्होंने शॉर्ट पीरियड में यहाँ आके बिरादरी की शान बढ़ाई, मैं उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। दीपक जी, क्या चंदा रखा आप लोगों ने बिरादरी का? नमस्कार जी। देखो चंदे के बारे में तो हमने अभी इसलिए डिसाइड नहीं किया कि आज हमारी बहुत टाइम बाद बिरादरी की एक जो शॉर्ट पीरियड में मीटिंग हुई है, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा है ये चीज़ देखकर कि लोग आए और लोगों ने उत्साह जगाया है, लोगों ने हमें आशीर्वाद, बड़ों ने आशीर्वाद दिया है। जैसे हमारे खन्ना अंकल हैं, किशोरी लाल अंकल हैं, वधवा जी हैं और अपने गुलाटी जी हैं, दुआ साहब हैं, सभी साथ आए हैं। सभी ने हमारी इस बारे में ये कही कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। परेशान है, परेशानी किस वजह से कि बिरादरी के कलम से हो सकती है तो उसको करें। आज बिरादरी को इकट्ठा करना है, हमें एका करना है, सारा बिरादरी को बुला के जो है ना बिरादरी हमारी बिछड़ी हुई है उसको सब भाई बंधुओं को बुला के इकट्ठा करना है ताकि बिरादरी जुड़ी रहे, मियां वाली बिरादरी। कोई किसी का इधर है, कोई इधर है, उनको सबको जोड़ना है, इसीलिए कार्यक्रम रखा है। फिर अगले इतवार को शायद मीटिंग फिर करेंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, सारा सब। अच्छा, हर साल रामनवमी भी मनाते हो आप लोग? हाँ, रामनवमी पे भंडारा करवाएंगे यहाँ माता का मंदिर पे, अपने गोदाराम जी मंदिर वाले पे भंडारा करवाएंगे बढ़िया। हाँ नवीन जी, बिरादरी का बात चली है तो पुनर्गठित हो रही है तो क्या महसूस हो रहा है? सही है, जो होना चाहिए, देखो काफी टाइम से चल रहा है, तो बिरादरी किस काम आती है? बिरादरी आपस में मेल बना रहे, प्यार बना रहे, कोई संसार में कुछ भी नहीं है, जो प्यार में है वो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिर दुख सुख की जानकारी मिल जाती है इससे? दुख सुख की मिल जाती है, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। पंडित जी की माता जी गुजर गई, हमारे पास फोन आ गया, पहलवान जी फोन आया है, पंडित जी की माता जी गुजर गई, उससे हमें पता चल गई, वहाँ चले गए हम। इसमें मेल मिलाव रहता है ना बिरादरी का, जो बिछड़ गई है उसे इकट्ठा कर दें तो अच्छा है, नहीं तो फिर।